ब्रेकेवाल आपका स्वागत है। सोलन में कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिला सोलन में 4 पृथक वार्ड स्थापित किए गए हैं। विदेशों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस वायरस से फिलहाल सोलन वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचाव की आवश्यकता जरूर है। सोलन में कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिला सोलन में 4 पृथक वार्ड स्थापित किए गए हैं। विदेशों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस वायरस से फिलहाल सोलन वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचाव की आवश्यकता जरूर है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं और उन्हें जुकाम खांसी जैसे लक्षण हैं, तो वे अपना टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि समय पर उनका उपचार हो सके और किसी भी सूरत में कोरोना वायरस सोलन में न फैल पाए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि अभी तक चाइना के करीब 6 लोग चाइना से आए हैं, जिनके स्वास्थ्य को विभाग पूरी तरह से ट्रैक करेगा और अगर खांसी जुकाम जैसे लक्षण अगर उनमें पाए जाते हैं तो उन्हें पृथक वार्ड में रखकर उनके सभी टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाइना के साथ साथ सिंगापुर और थाईलैंड से भी आ रहा है, तो वे सोलन पहुंचते ही इसकी जानकारी 104 नंबर पर जरूर दें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उनकी आवश्यक जांच कर सके। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नालागढ़, बत्ती, परमाणु और सोलन के अस्पतालों में पृथक वार्ड कोरोना वायरस को लेकर स्थापित किए गए हैं और वे किसी भी स्थिति से निपटने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को भी पूर्ण अलर्ट कर दिया गया है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति थाईलैंड, चाइना और सिंगापुर से आया है, तो वह किसी भी हालत में जनता के बीच ना जाए और 28 दिनों तक अपने घर में ही रहे। जैसे कि बद्दी में हमारा काठा ESI हॉस्पिटल है, वहां के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वो भी एक आइसोलेशन वार्ड बनाकर रखें। नालागढ़ में एक हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है और एक परमाणु में बनाया है हमने आइसोलेशन वार्ड, ताकि अगर कोई भी केस आता है कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई आता है, तो उस आदमी को हम उस आइसोलेशन वार्ड में रख के बाकी लोगों से उसके प्रकोप से बचा सके। चाइना से जो हमारे को कल एक जो लिस्ट आई है, उसमें 6 लोग हैं पूरे सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिनको कि आज हम घरों में जाके उनके उनकी सर्च आउट करेंगे, उनका डिटेल बनाकर रखेंगे अपने पास, ताकि अगर कुछ भी कोई सिम्टम्स उनको आते हैं तो उनका टेस्ट किया जा सके। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, अगर कोई भी आदमी चाइना से कहीं 15 जनवरी के बाद यहाँ इंडिया में वापस आ रहा है, जैसे कई स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पढ़ने गए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं, तो वो 104 पे अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं। 104 पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और वहाँ से वो हमारे को बता देंगे और हम उनको ट्रेस आउट करके उनकी भी लाइन लिस्टिंग कर सकेंगे। जो लोग उस एरिया में ट्रेवल करके आए हैं जहाँ पर चाइना में इसके केसेस हुए, या फिर थाईलैंड या सिंगापुर से, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ से चाइना से भी थाईलैंड और सिंगापुर गए हैं, वहाँ को ट्रैवल करके आए हैं, वो भी 15 जनवरी के बाद, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक तो वो अपना रजिस्ट्रेशन हमारे से करवा लें, ठीक है, दूसरा वो थोड़ा पब्लिक में 28 दिन तक ज्यादा ना निकले। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।